नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे ग्रहों की चार आपके साथ हो जाए। और गुरु जी से जानिए कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। तो चलते हैं गुरु जी के पास और जानते हैं आज का उपाय। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। नीलांजलम समाभासम रई पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जिस प्रकार से आपके जीवन में अनुशासन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो अनुशासन देने वाले ग्रह ये होते हैं शनिदेव। और शनिदेव के अगर प्रकोप आ जाता है जीवन में तो सारी आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कैसे बचें शनिदेव के प्रकोप से, जानते हैं कुछ आसान से उपाय। कुछ उपायों में जैसे हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करना, दीपक प्रज्वलित करना, सात बार परिक्रमा करना, ये बड़े साइंटिफिक उपाय होते हैं। और इसके साथ ही किसी निर्धन व्यक्ति को अगर भोजन कराएं या निर्धनों की सेवा करें, द्रव इत्यादि दे के सुबह शाम शनिवार को स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से अगर आप तैल का दान करते हैं ये भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना, चोला चढ़ाना, ये भी शनि देव के प्रकोप को कम करना, इसमें बहुत मदद मिलती है। साबुत उड़द, लोहा, काले कपड़े, तिल के बीज इत्यादि, ये भी आप दान पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल का बड़ा अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि पीपल में आसपास बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए ही ये उपाय बताए गए हैं जो कि शनिदेव से संबंधित हैं। तो शनिदेव को करिए प्रसन्न और उनके प्रकोप से अगर आप हो रहे हैं दूर, तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि निश्चित रूप से रहेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है खास उपाय। मेष राशि वालों, आज का दिन जातकों के लिए, लोगों के लिए थोड़ा सा मिला जुला सा दिख रहा है। संतान एवं प्रेम से थोड़ी आपकी दूरी बढ़ सकती है, लेकिन राज सत्ता पक्ष का आपको सहयोग जरूर मिलेगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, लेकिन जरूरी यह है कि व्यापारिक दृष्टिकोण आपका उत्तमता की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव। सूर्यदेव आपकी राशि पर गोचर तो उच्च के होते हैं, अर्पित करिए जल, तांबे की वस्तु अपने पास जरूर पास में रखें, कि तांबे से मंगल और सूर्य का कनेक्शन है। काला रंग शुभ है और सात का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं क्या आप कर सकते हैं। शिव जी को प्रणाम करना और उपाय करना, और शिव जी से संबंधित कोई भी सफेद वस्तु आप जरूर रखें। शुभ अंक 5 और शुभ रंग आपके लिए लाल का दिख रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। स्वास्थ्य में आपको सुधार दिख रहा है, प्रेम का आपको मिलेगा साथ। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है, उसमें कुछ अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है नहीं। यात्रा से बचे, कष्टकारी हो सकती है। माता कालिका को प्रणाम करें, लाल वस्तु का दान करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ उपाय दिखता है। नारंगी रंग और साथ का। कर्क राशि वालों, मिला जुला समय दिख रहा है आपका। उतावलेपन से आप बचे नहीं तो अनेक तरह की परेशानियां आप स्वयं से खड़ी कर लेंगे। स्वास्थ्य आपका रहेगा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखेंगे और अपने ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। रोजी रोजगार में कुछ पहल आप कर सकते हैं। बजरंग बली की शरण में बने रहें, ध्यान करें, काली वस्तु का दान करें, तो आपका ये समय अच्छा रिस्पॉन्स देगा। सिंह राशि की बात करें, जाति के जातकों का, इसके लिए आपके लिए राशि अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। प्रेम एवं संतान का आपको मिल सकता है साथ। व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, उसको और अच्छा करने की जरूरत है। रोजी रोजगार में आप करेंगे तरक्की। अपने सीनियर ऑफिसर्स का, अपने सीनियर जिनके अंडर में आप हैं, वो आपको ज़रूर सराहेंगे। भगवान विष्णु को आप जरूर प्रणाम करें। पीली वस्तु का दान करना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शुभ अंक 2 और शुभ रंग 7 के लिए मिला। कन्या राशि की बात करें, इस राशि के जातकों का थोड़ा सा समय अन्य की तरह भी चुनौतीपूर्ण है। कार्यों में दबाव एवं परेशानी आपको आ सकती है। रोजी रोजगार में आप कुछ तरक्की कर सकते हैं।
सानिध्य मिलेगा आपको अपने जीवन साथी का, प्रेम का पूरा सहयोग मिलेगा। शनि देव को आप प्रणाम करें, शनि देव की मूर्ति पे तैलाभिषेक भी कर सकते हैं। हरी वस्तु जरूर आज लकी चार्म की तरह अपने पास रखें। नीला रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है एक का। तो शनि देव को प्रणाम करें, आगे बढ़ते हैं तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, इस राशि के जातकों का समय चल रहा है पूर्ण रूप से अनुकूल। जातक का मन बन रहा है उत्साहित, उत्साह आ रहा है। जातक अपने कई कार्यों को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। आपकी स्थिति भी अच्छी लग रही है। काल भैरव के दर्शन करें। काल भैरव, काल हर, कष्ट हर, कंटक हर, लाल वस्तु का आपको करना पड़ेगा दान। सफेद रंग शुभ है और शुभ अंक आजाद के लिए है चार का। राहु का नंबर है इसलिए थोड़ा सा ये मिस्टीरियस नंबर मालूम देता है। तो लाल वस्तु का दान करें। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि की बात करें तो स्थिति अच्छी चल रही है, लेकिन स्वयं के पर्सनल लाइफ में मिला जुला समय दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आपका यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से रुआब बना रहेगा, यानी आपका स्टेटस बना रहेगा। स्वास्थ्य एवं प्रेम की स्थिति भी अद्भुत है, लेकिन पैरों में अगर चोट लगी है पहले तो ध्यान रखेंगे। गणेश जी को आप प्रणाम करें। पीला रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है पाँच का। तो वृश्चिक राशि वालों के बाद अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की बारी है तो स्थिति पहले से आपकी बेहतर है। जातकों को समय लगभग अनुकूल दिख रहा है, प्रतिकूलता आपसे दूर हो गई है। जातक की साख में वृद्धि होगी और जातक यानी कि लोगों की अपनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में अब प्रॉपर सुधार होता हुआ देखा जा रहा है। धन की आवक बढ़ जाएगी, लेकिन जरूरी होगा कि अपनी जुबान पे कंट्रोल करें। प्रेम एवं संतान का साथ में बजरंग बली की पूजन करना आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हरा रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है चार का। धनु राशि वालों की बात की हमने। धनु राशि गुरु बृहस्पति देव की राशि है। अब चलते हैं शनि देव की राशि मकर पे। आपका समय लगभग अनुकूल है, पूर्णतया अनुकूल नहीं है। जातक के सामने कई कठिनाई के बाद पटरी पे काम आ सकते हैं। आपके अंदर एक तरह का साहस और ताकत आ गई है। जीवन में आप कुछ तरक्की जरूर अभी करते हुए देखे जाएंगे। व्यापार एवं स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी दिख रही है। माता कालिका की पूजन करें, कपूर आरती इत्यादि करते रहें और इसके साथ ही आसमानी नीला आपके लिए शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है सात का। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, जातक का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भरा दिख रहा है। एक साथ कई बड़ी एवं जटिल प्रतिस्पर्धा से आप गुजर रहे हैं। जातक को तनाव दे सकती हैं कुछ चुनौतियाँ। सूझबूझ से, कार्यकुशलता से आप अपना बेड़ा पार कर लेंगे। भाग्य दे देगा आपको आपका साथ। खर्च की अधिकता के कारण आप कुछ अप्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर दिख रहा है। प्रेम एवं संतान का भी आपको साथ मिलेगा। व्यापार आपका ठीक चल रहा है। क्या करें, भगवान गणेश की आराधना करें और फलों का दान करें। लाल रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है पाँच का। तो ये हमने बात की कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के बाद अंतिम राशि मीन राशि। इस राशि के जातकों का, लोगों का समय अनुकूल रहेगा। आपकी स्थिति अच्छी चल रही है। जो स्थिति है यथा स्थिति मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। ओजस्वी तेजस्वी आप बने रहेंगे। सरकारी तंत्र का अब आपको साथ मिलना जरूर संभव है। जीवन साथी का सानिध्य आपको मिलना जरूर संभव है। संतान एवं प्रेम की स्थिति थोड़ी सी मध्यम रह सकती है। पीली वस्तुओं का दान करते रहें। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई भी यथा सामर्थ्य यथा शक्ति। बुरा रंग शुभ है, शुभ अंक आठ का। तो आपने जाना मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियाँ। अपनी राशि सब देखते हैं, अपने अपनों को भी की राशियाँ देखिए, उनको भी गाइड करिए। आपका दिन शुभ हो। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 16 अप्रैल 2022, पूर्णिमा तिथि का मान हस्त नक्षत्र कन्या राशि में चंद्र, शनिवार का दिन और चैत्र मास शुक्ल पक्ष। शुभ समय 12:05 से 12:54, राहुकाल 9:18 से 10:52 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004030524। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है राजीव शुक्ला ऑनलाइन
info@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।